वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि अभी जो हम डिजिटल एज में जी रहे हैं, डिजिटल एज बोले या डिजिटल एरा बोले, जिसमें हर चीज़ डिजिटली हो रहा है। जो पहले कुछ दिन मतलब कुछ साल पहले कोविड से पहले तक बहुत लोग डिजिटली पेमेंट करने से डरते थे कि पता नहीं मेरे अकाउंट से पैसा कट जाएगा, वापस नहीं आएगा, वो किसी और को चला जाएगा, क्या होगा, मेरे पूरे अकाउंट खाली हो जाएगा। इस तरह के डर मैक्सिमम लोगों में होता था, खास करके जो हमारे किसान वर्ग के लोग हैं जिन्हें इन चीज़ों से ज़्यादा लगाव नहीं था पहले। अब तो खैर हर किसी के पास, हमारे किसान 99% यूज़ करते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी को, खास करके जो जब पेमेंट करना होता है या और भी जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिलते हैं उनको, वो भी डिजिटली ट्रांसफर होता है उनके अकाउंट में। तो अब तो कह सकते हैं कि 99% लोगों में ये ऐसा कोई डर नहीं है कि हम डिजिटल पेमेंट करेंगे तो हमारा अकाउंट खाली हो जाएगा, ऐसा वैसा, या हम डिजिटल पेमेंट करने से हिचकने वाली कोई बात नहीं है। आम जनता इससे अगर कहें तो फुल्ली फैमिलियर हो चुका है, कम से कम हमारे देश के अंदर। और ये एक ऐसी चीज़ है जिससे ये भी लगता है कि इंडिया दुनिया में सबसे आगे नंबर वन पे आ गया, और विद इन नो टाइम, मतलब बिल्कुल अगर समझा जाए तो बिना दो कोविड में 2 से 3 साल के अंदर भी ये सारा कुछ हुआ है। 2020 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, फरवरी मार्च में, और अभी 3 साल 4 साल हो गए। अभी तक आप देखिए कि फुल फ्लेज कहें तो आज के डेट में आपके पास अगर स्मार्टफोन है तो और वॉलेट नहीं है तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एक रुपये कैश रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे, एक हम चाय पीने जाते हैं, अगर आप एक सब्जी लेने जाते हैं कहीं, हर किसी के पास एक QR कोड है, जब मोबाइल से स्कैन कीजिए पेमेंट कीजिए। और इनकेस कई जगह ऐसा होता है कि मान के चलिए उसके पास नहीं है तो उसका भी ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा आपके साथ में, वहाँ पर कोई दूसरा वेंडर होगा वो उससे एक्सचेंज कर लेगा, उसको आपको बोलेगा कि पेमेंट आप इसको कर दीजिए, आप वो अपना उससे ले लेगा बाद में कैश, ऐसा भी होता है। तो इसलिए ऐसे जब डिजिटली हम इतना अवेयर हो चुके हैं, पब्लिक में डिजिटल चीज़ें जो है पूरी तरह फैल चुका है, हर चीज़ जो है जो फिजिकली के बजाय वर्चुअली होना शुरू हो गया है। पहले ऑफिस जाना टाइम पर जरूरी होता था, अगर 5 मिनट लेट हुआ तो 3 दिन का वो हाफ डे लगा देते थे लोगों के साथ, लेकिन अब मैक्सिमम, अब कोविड के बाद आप देखें तो मैक्सिमम जो है IT क्या non-IT लोग भी वर्क फ्रॉम होम कल्चर में आ चुके हैं। ज़्यादातर लोगों का फोन कीजिए कहाँ पर हैं, तो घर पे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन बिजी हुआ ऑफिस चल रहा है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में जब आप डिजिटल एज में जी रहे हैं तो सिक्योरिटी जो है आपका एक फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाता है उस डिजिटल एनवायरनमेंट में, क्योंकि पहले जो हम यूज टू नहीं थे, पर डिजिटल एनवायरनमेंट को यूज टू नहीं थे पहले तो हम फिजिकली आपसे बात करते थे, फिजिकली आमने सामने बात करते थे, उसमें सिक्योरिटी का पता होता था, हम आपसे क्या बोल रहे हैं और आप मुझसे क्या शेयर कर रहे हैं। लेकिन अब आप अपने घर में, जैसे अभी मैं अपने लैपटॉप पे बैठा हुआ हूँ और आपके सामने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं तो एक देखा जाए तो आपके सामने नहीं हूँ, लेकिन इनफैक्ट मैं दुनिया से कनेक्टेड हूँ। अगर मैं विदाउट डिजिटल एनवायरनमेंट को साइड करके अगर आपसे बैठ के बात करता तो पर्सनल होता, प्राइवेट होता, क्योंकि मैं आपसे बात करूँ, वहाँ कोई और, इस रूम में कोई और नहीं है, तो मैं और आप ही होते, तो ये ऑब्वियस बात थी कि ये चीज़ें प्राइवेसी, हम दोनों की प्राइवेसी मेंटेन रहती। लेकिन अभी इसमें नहीं है, अभी मैं यहाँ लैपटॉप पर बैठा हूँ, जब इसको मैं इंटरनेट पर डालूँगा इस वीडियो को, तो ये सारी चीज़ें दुनिया भर के लोग देखेंगे। अब दुनिया भर के लोग जब देखेंगे इसको तो उसमें फिर प्राइवेसी रह के आगे, मैं जो जो ऑनलाइन मैंने डाल दिया वो सारी चीज़ें दुनिया भर के लोगों के लिए होंगी, सब देख रहा है। अगर मैं अपना नाम डालता हूँ, अपना फ़ोन नंबर डालता हूँ, अपना ईमेल डालता हूँ, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दूँ, मेरे फैमिली में क्या कौन कौन लोग हैं, उनका क्या नाम है, उनकी एज क्या है, सारी चीज़ें अगर मैं ऑनलाइन डाल दूँ तो दुनिया भर के लोगों के लिए विजिबल है, और उसको यूज़ करके कोई चाहे कुछ भी कर सकता है। अगर आपके कॉन्टैक्ट के बारे में, आपके फैमिली मेम्बर्स के बारे में किसी को पता चल जाए तो उसका मिसयूज़ कर सकता है, कई बार ऐसा होता है, अक्सर ही होता है, उसको मिसयूज़ करके आपसे पैसे ठगी कर सकता है, कुछ इन्फॉर्मेशन और यूज़ करके कुछ इस तरह से आपको
कभी मिसगाइड कर सकता है, या जैसे भी बोले हैक कर सकता है कुछ चीज़ें इंफॉर्मेशन आपका। तो इस डिजिटल एज में हमें अपने डेटा को, अपने प्राइवेसी को कैसे मेंटेन करके रखना चाहिए, उस पर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इसमें पॉइंट वाइज में कुछ पॉइंट, जो मेजर पॉइंट है जिस पर आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। नंबर वन में है, किसी के साथ OTP शेयर ना करें। OTP वन टाइम पासवर्ड बोलते हैं जिसको, ये आपके मोबाइल पे आता है। हालांकि अब तो ईमेल में भी आना शुरू हो गया, ईमेल में भी आता है, लेकिन मोबाइल पे और ईमेल पे जो भी OTP आता है, वन टाइम पासवर्ड कहीं से भी आता है, और कोई आपको बोलता है फ़ोन पे कि OTP बता दीजिए, मैं आपको ये दे दूँगा, वो दे दूँगा, आपका ये काम कर दूँगा, नो, कभी नहीं। ये एक स्टैंडर्ड रूल बना लीजिए कि कोई अगर OTP मांगता है जो मेरे सामने नहीं है, जिसको मैं अच्छे से जानता नहीं हूँ कि मैं किसी खास काम के लिए उससे बात कर रहा हूँ, जिसमें हाँ ये OTP की ज़रूरत है, अगर 100% मैं ऐसा कंफर्म नहीं हूँ, तो किसी भी अनजान व्यक्ति से यह कहूँगा कि जानने वाले व्यक्ति पे अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप OTP शेयर ना करें, जो आपके मोबाइल पे SMS में आता है जनरली, और ईमेल में भी आता है। तो OTP कभी भी किसी से शेयर ना करें, नंबर वन। नंबर टू, कमज़ोर पासवर्ड या पासवर्ड का बार बार एक ही पासवर्ड का जगह जगह यूज़ करना। पासवर्ड क्या चीज़ है, आज के डेट में जब आप डिजिटल एज में हैं तो हर जगह पासवर्ड होता है। आप मोबाइल में पता नहीं कितने ऐप्स यूज़ करते हैं, उसमें पासवर्ड होता है या पिन नंबर होता है। पिन नंबर को भी आप पासवर्ड ही समझिए, एक पिन होता है 4 डिजिट का 6 डिजिट का, तो और पासवर्ड होता है उसमें लॉगिन करने के लिए। लॉगिन करने का मतलब ये समझ लीजिए, आप तो अगर पुराने जमाने के तरीके से बात करेंगे तो पासवर्ड वो चीज़ होती है जैसे आपके घर घर के मेन डोर का जो ताला है और उसकी चाबी। अगर आपके मेन डोर का ताला मजबूत नहीं है, उसकी चाबी साधारण से कोई चाबी से खुल जाता है वो, तो कोई भी आके आराम से आपके एब्सेंस में आकर के आपके घर में वो ताला खोलेगा और आपके घर में घुस जाएगा, जो भी करना होगा करेगा, जो ले जाना होगा ले जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, घर में एक अच्छा किसी रिलायबल कंपनी का और अच्छा मजबूत लॉक लगा, ताला लगाते हैं। तो उसी तरह डिजिटल एज की बात करें तो हम जैसे ईमेल यूज़ करते हैं या और भी कोई ऐसे सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट रखते हैं तो उस पर, या कई बैंक में ऑनलाइन बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, तो ये सारे में पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग मजबूत होना चाहिए। और मजबूत पासवर्ड क्या होता है और कमज़ोर पासवर्ड क्या होता है, ये दोनों चीज़ें बताता हूँ मैं। सबसे पहले कमज़ोर पासवर्ड क्या होता है, कमज़ोर पासवर्ड जैसे कि आपने अपना नाम रख दिया, कुछ भी आपका नाम है, अपने नाम रख दिया, किसी शहर का नाम रख दिया, न्यू दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, कुछ भी रख दिया, फ्लावर, रिवर्स, तो इस तरह के पासवर्ड जो है 123 123 4 5 6 8 ऐसा कुछ रख दिया, तो ये सारे जो है काफ़ी वीक पासवर्ड होते हैं। हालांकि आजकल कहीं भी जब आप पासवर्ड रखते हैं, मतलब पासवर्ड एक तरह जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो वहाँ पर एक स्टैंडर्ड रूल अब होते हैं हर जगह, जो उस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप नहीं करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन कई जगह एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो आपको ध्यान रखना है, पासवर्ड हमेशा ही स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं रहने से कोई भी आपके डेटा को, आपके इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, उसको उसका मिसयूज़ कर सकता है। और एक ही पासवर्ड को जगह जगह यूज़ कर लो, जगह जगह एक ही पासवर्ड। सपोज आपका एक ईमेल है, 4 ईमेल है, सब में एक ही पासवर्ड है, आपके नेट बैंकिंग में भी वही पासवर्ड है, आपके कहीं और सोशल मीडिया में, तो होगा कि किसी को कभी गलती से एक पासवर्ड पता चल गया, वो आपके सारे जगह वो कूदने लगेगा, हर किसी में लॉगिन करके जो मर्जी करेगा। तो इसलिए पासवर्ड को आपको एक तो स्ट्रॉन्ग रखना है और एक ही पासवर्ड हर जगह नहीं रखना है। और फिर और क्या है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता क्या है, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का एक मैं जो स्टैंडर्ड आपको रूल बताता हूँ, जो अपने दिमाग में बिठा लीजिए। सबसे पहले पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर्स का रखिए, और कैरेक्टर बोले तो कैरेक्टर का मतलब जैसे अल्फ़ाबेट्स है, ABCD हो गया 4 कैरेक्टर, 1 2 3 4 हो गया, वो भी हो गया 4 कैरेक्टर, इसी तरह। तो कैरेक्टर मीन्स कोई भी एक लेटर, कोई भी एक हिंदी में बोले तो अक्षर, अक्षर अल्फ़ाबेट भी हो सकता है ABCD, और नंबर भी हो सकते हैं,
और स्पेशल कैरेक्टर बोलते हैं किसको, स्पेशल कैरेक्टर होता है कुछ चीज़ें जिसको आप, जैसे कि ये डॉलर साइन होता है, नॉट इक्वल टू होता है जिसको हैश बोलते हैं, दो लाइन ऐसे होती है, दो लाइन ऐसे होती है खींचा हुआ, नॉट इक्वल टू, एट द रेट होता है जो हर ईमेल में होता है, तो इस तरह की स्पेशल कैरेक्टर कुछ एक यूज़ कर लें, और कम से कम एक नंबर यूज़ करें, नंबर मीन्स डिजिट्स जिसको बोलते हैं हम, डिजिट्स मीन्स 0 से 9 तक का कोई भी एक अक्षर, अल्फाबेट्स फिर कोई यूज़ करें, और अपर कम से कम एक अपर केस या लोअर केस का मिक्स बनाएं। यानी मतलब जैसे अगर आप अपना नाम डालते हैं, जैसे नाम डाला आपने सपोज राम, तो राम में आर कैपिटल, ए कैपिटल, आर ए एम में, तीन तीनों को कैपिटल ना करें या तीनों को स्मॉल ना करें, उनमें से किसी एक लेटर को कैपिटल कर लें बाकी को स्मॉल कर लें, या किसी एक को स्मॉल करें बाकी को कैपिटल कर लें, एक बोलता हूँ एक दो भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है, मतलब मिक्स करें, कैपिटल और स्मॉल लेटर का मिक्स हो और कम से कम एक नंबर हो उसमें, तो और कम से कम टोटल मिला के 8 कैरेक्टर हो, ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनता है, और इसे 8 मिनिमम बता रहा हूँ रखें आप, इससे ज़्यादा जो भी आपको अलाउ करता है पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में जो आप रख सकते हैं, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए। ये नंबर 2, 3 है व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन शेयर ना करें। वैसे तो आप आज के समय में अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आपका व्यक्तिगत जानकारी ये मत समझिए कि सीक्रेट है, वो और किसी के पास है ऑलरेडी, और किसके पास है अभी तो सोशल मीडिया कंपनी के पास है, और किसी के पास हो या ना हो उसके पास ज़रूर है। क्यों? क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पे अकाउंट खोलते हैं तो वो आपसे पर्सनल डिटेल मांगते हैं, लाइक योर नेम, बर्थ प्लेस, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, और मांगता तो और भी बहुत कुछ है, आप पे डिपेंड करता है आप उसमें सारी चीज़ें देते हैं या कुछ नहीं देते हैं, या कुछ देते हैं वो सही देते हैं गलत देते हैं, लेकिन वो सारे जो भी इंफॉर्मेशन आप वहाँ दे रहे हैं वो सीधा सीधा उसका मतलब है कि आप उस कंपनी के साथ वो चीज़ें शेयर कर रहे हैं। अब उस कंपनी के ऊपर है, वो अपने तक रखता है या कहीं उसको बेचता भी है, मतलब किसी और के साथ शेयर भी करता है। हालांकि जो रूल है, जो लीगल ये है कि कोई भी कंपनी आपका डेटा का प्राइवेसी मेंटेन करता है, वो बाउंड है, मतलब आपकी प्राइवेसी को मेंटेन रखने के लिए अकॉर्डिंग टू रूल वो आपके प्राइवेसी को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। और यही चीज़ आप पे भी, हम पे भी लागू होता है कि अगर हमारे पास आपका कॉन्टैक्ट डिटेल आता है या मैं किसी पर्पज़ से, खास उद्देश्य से लेता हूँ, तो उसको उसी उद्देश्य से प्रयोग करें, ना कि हम उसको किसी और के साथ शेयर करें या किसी और उद्देश्य से उसको यूज़ करें। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप कहीं ऑनलाइन अपना अपीयरेंस देते हैं, जब भी अपना ऑनलाइन कहीं पे जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो उस पर अपना क्या क्या डेटा है, मिनिमम डेटा जो आप शेयर कर सकते हो वो क्या करें मेरे हिसाब से, क्योंकि जितना मैक्सिमम डेटा आप ऑनलाइन पब्लिक करेंगे, पब्लिक में शेयर करेंगे, आपके लिए वो उतना ही घातक सिद्ध होने वाला है। घातक सिद्ध इसलिए होने वाला है क्योंकि वो फिर उस डेटा, जो भी आपका सोशल प्रोफाइल देखेगा उसको पता चलेगा आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, और कई सारे ट्रांजेक्शन पे आप देखेंगे कि ऑन फोन पे भी होता है, और उसमें वेरिफिकेशन में आपका डेट ऑफ बर्थ पूछता है, इवन क्रेडिट कार्ड में अगर आप कस्टमर केयर में कॉल करेंगे तो आपका आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए वो लोग आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे। तो ऐसे में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी को पता चल गया तो आप समझ लीजिए क्या क्या कर सकता है आपके साथ। तो ये सब चीज़ें को प्राइवेट रखने कर रहे, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देते भी हैं तो उसमें ऑप्शन होता है कि आप जैसे डेट ऑफ बर्थ डाला आपने फेसबुक अकाउंट में, तो उसमें उसको पब्लिक करना है, प्राइवेट रखना है, तो वहाँ पर गलती से उसको पब्लिक ना करें, उसको प्राइवेट रखें, मतलब प्राइवेट रखने से केवल आपको ही दिखेगा वो, किसी और को नहीं दिखेगा। हालांकि उसमें तो और भी ऑप्शंस होते हैं कि केवल आपको ही दिखे या आपके फ्रेंड्स को भी दिखे या सबको दिखे, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि हमेशा जो आपके प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उसको आप किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पे कहीं और भी देना ज़रूरी भी होता है तो उसको प्राइवेट रखें, मतलब जिससे केवल आप खुद ही देख पाए उसको, है ना। नेक्स्ट है असुरक्षित वाईफाई नेटवर्क। वाईफाई नेटवर्क ये क्या है? ये अगर डिजिटल एज में है तो वाईफाई एक ऐसी चीज़ है
जो समझिए जैसे हवा है वैसे वो है, हवा के बिना हम जी नहीं सकते, वाईफाई के बिना हमारा जो डिजिटल डिवाइसेस है वो नहीं जी सकते, क्योंकि उसको चाहिए इंटरनेट, इंटरनेट पर ही सब कुछ होता है, और इंटरनेट के लिए उसको चाहिए वाईफाई, वाईफाई जो कि डेटा खाता है, हमारे फ़ोन में होता है ना 1.5 GB डाटा है डेली, कोई 2 GB डाटा है डेली, इतना डाटा खर्चा हो गया, यूट्यूब का वीडियो देखा बड़ा सा कोई, तो वो जो वाईफाई है वाईफाई में होता है कि एक पासवर्ड होता है, तो अगर वाईफाई आपका वाईफाई आप चाहें तो किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं, जैसे घर में सपोज 5 लोग हैं, किसी एक का डेटा ख़त्म हो गया तो दूसरा बोलता है कि अपना व्हाट्सएप हॉटस्पॉट ऑन करो, तो हॉटस्पॉट बेसिकली होता है कि वो भी आपको एक वाईफाई ऑन कर देता है हॉटस्पॉट। तो अगर आप अपने घर में वाईफाई रखे हुए हैं, आपको जैसे ब्रॉडबैंड कनेक्शन है आपके पास, के एयरटेल का या जियो का किसी का भी थर्ड पार्टी वाटर, तो उस केस में ब्रॉडबैंड का वाईफाई जो है उसका पासवर्ड होता है, और अगर आपके घर कोई गेस्ट आते हैं तो कई बार कुछ गेस्ट जो ज़्यादा ही आपसे फैमिली रहे हैं, ज़्यादा ही क्लोज हैं, हो सकता है आपसे मांगे कि अपने घर का वाईफाई का पासवर्ड, क्योंकि वो जब आपके यहाँ आते हैं तो अपने मोबाइल से, अपने अपन का मोबाइल कनेक्ट होता है उस वाईफाई से, आपके घर के वाईफाई से कनेक्ट हो जाए और फिर वो उनका मोबाइल उससे चले, रादर दैन यूजिंग हिज और हर मोबाइल डेटा। अगर कोई गेस्ट आपके यहाँ आते हैं, अगर आप एक बार आपके वाईफाई से कनेक्ट हो गया उनका मोबाइल, तो फिर जब भी वो आएंगे आपके यहाँ तो ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट हो जाया करेगा आपके वाईफाई से, और उनका मोबाइल डेटा तब तक यूज़ नहीं होगा जब तक वो आपके घर पे है। तो यहाँ तक तो ठीक है बात, लेकिन कई बार अगर होता क्या, अगर आपने पासवर्ड सही मजबूत रखा हो, तो पासवर्ड के बारे में पहले ही बोला मैंने, तो पासवर्ड मजबूत होना चाहिए, तो वाईफाई का भी पासवर्ड आपका मजबूत होना चाहिए। अगर मजबूत पासवर्ड नहीं है तो कोई आपका पड़ोसी एक बार देखेगा आपका वाईफाई, आप मोबाइल में सर्च करेगा आपके नाम से कहीं दिख रहा है, तो अगर कमज़ोर पासवर्ड है वो भी ट्राई करके उसको कनेक्ट कर लें, तो पासवर्ड वाईफाई का भी आपको ध्यान से रखना है, और वो भी उसको ऐसे रखना है कि ऐसा नहीं सब में बांटते, जितने लोगों में आप बांटेंगे आपका उतना ही वो वाईफाई आपका उस नेटवर्क स्लो होता जाएगा, क्योंकि एक के बदले 5 लोग कनेक्ट करेगा तो 5 लोग यूज़ करेगा एक साथ, तो डेटा यूजेज वैसे होंगे। फिर नेक्स्ट है संदिग्ध लिंक या ईमेल पर क्लिक करना। संदिग्ध लिंक या ईमेल क्या होता है, जैसे कोई ईमेल आया आपके पास, ईमेल आपके पास आपके ईमेल बॉक्स में कोई ईमेल आया और आप जानते नहीं कि वो किससे आया है, आप उस आदमी को जानते नहीं हैं, उसमें कोई लालच भरा सब्जेक्ट लिखा हुआ कि हेयर इज अ लॉटरी ऑफ 50 लैक्स फॉर यू, क्लिक जस्ट क्लिक टू गेट 50 लाख रुपीज़, तो 50 लाख रुपए के लिए आप लालच में आके कई बार आदमी उसको फटाक से क्लिक कर देता है कि देखे हैं क्या सही 50 लाख रुपए सही में लॉटरी लग गई है, लेकिन उसमें हो सकता है कोई मैलवेयर। मैलवेयर क्या होता है, वो भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही होता है जो आपको गलत तरीके से आपका डेटा इंफॉर्मेशन आपका वो कैप्चर कर लेगा, और आपके लैपटॉप में मोबाइल में कुछ जो पर्सनल इंफॉर्मेशन वो कैप्चर कर सकता है, उसका एक्सेस ले सकता है। एक्सेस लेने का मतलब जब भी आप काम कर रहे हैं वो चाहे तो आपने वो कहीं से भी बैठे बैठे आपके मोबाइल को आपके लैपटॉप के अंदर जो भी है सारा कुछ देख लेगा, कुछ कर लेगा, कभी हो सकता है उसके थ्रू बहुत कुछ किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करना आपके लैपटॉप अगर यूज़ करते हैं, लैपटॉप या मोबाइल, इसमें सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम इसका जो है ना अपडेटेड होना चाहिए। अपडेट क्यों होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट होना चाहिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है आपके अंदर वो सारे अपडेट होने चाहिए। अपडेट क्यों होना चाहिए, उसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। जैसे अभी मार्केट में कोई नया नया स्कैम आया है कि आदमी से नया नया स्कैम है जिसके बारे में आपको पता नहीं, जैसे एक छोटा सा बताता हूँ, कोई बोलेगा आपको कि यूट्यूब पे एक लाइक करो, यूट्यूब चैनल पे एक लाइक करो 50 रुपये देंगे, है ना, अच्छी बात है। ये यूट्यूब पे एक लाइक करने में कितनी देर लगता है, 1 मिनट, हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगेगा, और उसमें अगर 50 रुपये मिलते हैं तो आप दिन में 10 भी लाइक कर दो तो 500 रुपये हो गए, तो कोई भी करना चाहेगा। और ऐसे अगर आपके पास ऑफर आ गया पटाख सब शुरू हो जाएंगे, क्योंकि घर बैठे 5 से 10 मिनट में आपको 500 रुपये मिल रहे हैं, और ज़्यादा हो गए तो पता नहीं हज़ारों में हो जाएंगे। लेकिन ये एक स्कैम है, स्कैम का मतलब ये ठगी का धंधा है। अब
और सॉफ्टवेयर अपडेट क्या होता है, कि अगर ऐसे धंधे के बारे में आपको पता है, अगर आप अपने दुनिया से कनेक्टेड हैं, दुनियादारी से कनेक्टेड हैं, चाहे अपने मोबाइल के थ्रू, अपने टीवी के थ्रू, अपने न्यूज़पेपर के थ्रू, तो आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन हो सकता है, कभी आपने सुना होगा कि ऐसे करके लोग ठगते हैं। अगर ये चीज़ पहले से आपको पता है तो आप सतर्क हो जाएंगे, आप कहेंगे नहीं भाई नहीं, मुझे नहीं यूट्यूब लाइक चैनल लाइक कर 50 रुपये नहीं कमाने, क्योंकि आपको पता है पहले से उसके बारे में, ऐसा करके लोगों ने लाखों रुपया का चूना लगा है किसी को। तो सॉफ्टवेयर अपडेट का मतलब ये होता है कि आपको बाहर क्या हो रहा है, क्या गलत एलिमेंट्स हैं, बुरे एलिमेंट्स क्या क्या हैं जो अटैक कर सकते हैं, किस किस तरीके से कर सकते हैं, आपको उसके बारे में पता है, और इसीलिए आपके अंदर उस तरह का डिफेंस सिस्टम तैयार है, आपने पहले से अपने दिमाग को तैयार कर रखा है कि नहीं ये जो है ये गलत है, ये ठग है, ठगी करता है ऐसे, इसलिए मैं इसके साथ नहीं जाऊँगा। तो उसी तरह सॉफ्टवेयर का अपडेट रहता है, तो उसको दुनियादारी के जो हैकर्स हैं उनके जो हैकिंग के तरीके हैं उस सबसे उसको उसके अंदर प्रोग्राम फिट हो जाता है अपडेट होने से, कि क्या क्या अभी आजकल लोग जो है नए नए डिजिटल इस दुनिया में क्या क्या करते हैं, किस किस तरह से अटैक कर सकते हैं हमारे। तो सॉफ्टवेयर जो अपडेट होता रहता है उसमें नए नए उस सबके डिफेंस जो है सबके लिए सुरक्षा कवच अपडेट होने का मतलब उसमें सुरक्षा कवच डालना, नए नए सुरक्षा कवच। तो ये है कुछ चीज़ें जो मैंने इस पहले वीडियो में आपसे शेयर करना चाहा, और आगे होप ये अच्छा लगेगा, और अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो जैसे साधारण आदमी को मिल जाए, लेकिन उससे आपका कोई पैसा नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी। अगर लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे आपका एक पैसा नहीं काटना पड़ेगा। थैंक्स।